قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم محترم उलमाए किराम इस्लामी दीनी और मिल्ली भाइयों, ये हम सब के लिए आज बड़ी सआदत और बड़ी ही खुशी की बात थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व तौफीक से नाला सुपारा शकर मोहल्ला की इस अजीमुशान मस्जिद में सबीलुल मोमिनीन के उन्वान पर ये कॉन्फ्रेंस सुबह से यहाँ जारी और सारी है और हम सब उसमें शरीक हैं और हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी तमाम मुसलमानों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने और जिन भाइयों ने जज्बे खलूस और मेहनत के बाद इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कुर्बानियों का दुनिया और आखिरत में उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए और इस कॉन्फ्रेंस का जो अजीम मकसद है उस मकसद तक हमें और आपको पहुंचने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। सुबह से उलमाए किराम के खिताबात आप हजरात के दरमियान जारी और सारी हैं और इसी तरीके से बम्बई शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में तीन महीने से मुसलसल कॉन्फ्रेंसों का और इज्तिमाआत का सिलसिला चल रहा है और मार्च के आखिर तक हमारे ख़्याल से ये सिलसिला ऐसे ही कमोबेश जारी और सारी रहेगा। कॉन्फ्रेंसों के इन हुजूम में हम और आप दीन की जो बातें समाअत कर रहे हैं, कुरान और हदीस की जो बातें समात कर रहे हैं और सहाबा का मनहज, मोमिनीन का तरीक़ा और उनका सबील और रास्ता, सबीलुल मोमिनीन जो आपके सामने पेश किया जा रहा है और जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे और आपके दरमियान पेश हो चुकी हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही तफसीली खिताब अभी आप हम सब के काबिल एहतराम हमारे और आपके फाजिल ख़तीब शेख अबू रिज़वान मोहम्मदी से समात करेंगे। इसी उन्वान पर जो कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी उन्वान है सबीलुल मोमिनीन, लेकिन इस दरमियान इन तमाम बातों को जिसे आपने सुना है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इज्तिमाआत और कॉन्फ्रेंसों के हवाले से आप सुनते हैं, उस पर अमल करने का और कॉन्फ्रेंसों का जो मकसद है कि हमारी और आपकी अमली ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा हो, उसका तरीक़ा क्या है, कैसे हम और आप अपनी ज़िंदगी में
इन तमाम बातों को नाफिज कर सकते हैं, तब्दीली पैदा कर सकते हैं, जो सहाबे किराम का और मोमिनों का रास्ता था। मैंने कुरान की एक आयत करीमा पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरीक़ा ज़िक्र फरमाया है जिसका नाम है तरीक़े इस्तेजाबत, जज्बे इस्तेजाबत। एक मोमिन के अंदर कबूलियत का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, क्या ईमान वालों तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को कबूल कर लो, मान लो, इस्तेजाबत इख्तियार कर लो जब वो तुम्हें उस बात की तरफ बुलाएं जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है, हयात है, उसी के ज़रिए से तुम दुनिया के अंदर कायम रह सकते हो और इस्लाम के पूरे तरीक़े पर अमल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर सकते। इस्तेजाबत, इस्तेजाबत का आप मफहूम ऐसा समझें कि आपने शरीयत के किसी मसले के बारे में सुना, सहाबा की अजमत के बारे में सुना, शादी ब्याह के रसूमात के बारे में आपने सुना कि उसमें सही क्या है, गलत क्या है, मारूफ क्या है, मुनकर क्या है, बहुत सारी नेकियों के बारे में आपने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल करते थे, बहुत सारे बिदआत और बहुत सारी बुराइयों और मासियतों के बारे में आपने सुना कि उससे बचने का हुक्म दिया गया है, तो आपके अंदर कबूलियत का जज्बा होना चाहिए और फिलफौर उसे मानने का जज्बा होना चाहिए। अगर आप उस बताए हुए कुरान और हदीस के सही रास्ते पर कायम नहीं हैं तो आपको चाहिए कि आप पुराने तरीक़े को छोड़ दें और अल्लाह ने जो नया तरीक़ा आपको दिया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हदीस के ज़रिए से आपको बताया है और सहाबा के ज़रिए से जो तरीक़ा हम तक और आप तक ट्रांसफ़र हुआ है, पहुंचा है, उस तरीक़े को फिलफौर हम मान लें और उसका फॉलो करने लगें। यही है इस्तेजाबत। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाह, आप दुनिया की कॉन्फ्रेंसें सुने, दुनिया के इज्तिमाआत सुने, दुनिया के मुनाजरे हो जाएं, बहसें हो जाएं, किताबें लिख दी जाएं, अगर मुसलमानों के दरमियान इस्तेजाबत का जज्बा नहीं है तो हमारा और आपका ईमान कामिल नहीं हो सकता है, हम और आप सही रास्ते तक पहुंच ही नहीं सकते। सबीलुल मोमिनीन तक, सहाबा के मनहज और तरीक़े तक, कुरान के रास्ते तक हम और आप नहीं पहुँच सकते। जज्बे इस्तेजाबत की मैं एक मिसाल देता हूँ। सही बुखारी की रवायत, मशहूर वाक़ आप सुनते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के उंगली में एक सोने की अंगूठी देखा। सोने की अंगूठी पहनना क्या है? हराम। बहुत सारे हराम काम हमारे घरों में, हमारे माशरे में चलते, शादी ब्याह, हमारे और आपके अखलाक व किरदार, हमारी और आपकी गुफ्तगू, यहाँ तक कि हमारी और आपकी नमाजों में, हमारी और आपकी मस्जिदों में जारी और सारी रहते। हराम काम को अल्लाह के नबी ने देखा, अंगूठी उंगली में मौजूद है, आपने बहुत प्यार और मोहब्बत से उस अंगूठी को सहाबी के उंगली से निकाल करके फेंक दिया। तरहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा क्या एक मुसलमान ये चाहता है कि सोने की इस अंगूठी को पहन करके, यानी एक हराम काम को अंजाम दे करके जहन्नम का एक टुकड़ा खरीदे, आग का एक टुकड़ा खरीदे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करके चले गए, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, इज्तिमा ख़त्म हो गया, सहाबा मौजूद हैं, आप चले गए। बाद सहाबे किराम ने कहा, मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनने से मना किया है, ये तो कीमती चीज़ है, यहाँ फेंकी हुई है, पड़ी हुई है, आप इसे उठा लीजिए और बेच करके पैसा बना लीजिए और इसे फ़ायदा उठा लीजिए। अब जज्बे इस्तेजाबत देखिए, यही जज्बा होना चाहिए। उस सहाबी ने जिन्होंने हराम काम को तर्क करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मुबारक उस अंगूठी को आपके मुबारक हाथों से निकलवा करके फेंका था और आपने फेंका था, जब मशवरा दिया तो कहा कि ला आखुजुहु वक़द तरहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस अंगूठी को, हराम काम को कैसे कर सकता हूँ दोबारा, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फेंक दिया, मना कर दिया। ये जज्बा होना चाहिए। आपको यहाँ जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, अगर सुन्नत के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं,
आपके घर में सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है, आपके माशरे में सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है, किसी हराम काम का, शिर्क का हो, अकबर का हो या असगर का हो, गुनाह कबीरा का हो या गुनाह सगीरा का हो, मामूली मामूली काम हो जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानियत है और आपने मना फरमाया है, तो आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए जो सहाबी के अंदर जज्बा हुआ कि अब मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ जबकि हमारी शरीयत ने इसे मना कर दिया है, कुरान ने मना कर दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। और अगर जज्बे इस्तेजाबत नहीं है तो ये उलमा तकरीरें करते रहे और ऐसे कॉन्फ्रेंस होती रहे, हमें और आपको कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं। तो आप ये जज्बा पैदा कीजिए, पैदा करेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह, ये जज्बा आप पैदा कीजिए। सबके अंदर कमी, हमारे अंदर, आपके अंदर, बाप में, दादा में, जवानों में, बच्चों में, बुजुर्गों में, औरतों में, बेटों में, पढ़े लिखे लोगों में, जाहिलों में, अनपढ़ में, सब में कमी है। जहाँ कमी है आपको शरीयत की रोशनी में मालूम पड़ गया कि ये कमी है, अकीदे से लेकर के इबादात तक, नमाज तक और ज़िंदगी के मसाइल तक, जहाँ भी कमी है आपको जैसे पता लग जाए आप उसे छोड़ दें, आप उसे छोड़ दें, किनारे रख दें। तो ये पहला तरीका है जज्बे इस्तेजाबत, कबूलियत का, इताअत का फिल फौर जज्बा, तुरंत, तत्काल, तत्काल, फौरी तौर पर। अगर आपने कहा अच्छा ठीक है पूछ लेता हूँ, ज़रा देख लेता हूँ, ज़रा ठहर जाता हूँ, गौर करता हूँ, तो नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, उस आग से हमें और आपको डरना चाहिए और उस जहन्नम की वईद से हमें और आपको डरना चाहिए जो कुरान ने हमें और आपको मुखालफत की वजह से दिया। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, उन लोगों को चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, वो डरें, वो आगाह हो जाएं, अंतुसीबहुम फितनतुन, कहीं फितना ना उनको पकड़ ले। और इससे बड़ा फितना क्या है कि आदमी मुसलमान होते हुए और जानते हुए कुरान को छोड़ दे, हदीस को छोड़ दे, अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ दे, ताकत रखता है, फॉलो अप कर सकता है, मान सकता है, इत्तेबा कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन वो उसकी इत्तेबा न कर सके, उसको इत्तेबा करने की तौफीक तक न मिल सके। ये बहुत बड़ा फितना, अंतुसीबहुम फितनतुन अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या अज़ाब अलीम उनको पाले। और दूसरा तरीका जज्बे इस्तेकामत, आपने सीख लिया, आपने समझ लिया, आपने फॉलो कर लिया, फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो करने के अंदर इस्तेकामत होना चाहिए, कंटिन्यूस मुताबात। ऐसा नहीं आज आपने कर लिया, उसके बाद दो महीने के बाद अच्छा हुआ अंगूठी बड़ी अच्छी थी, बड़ी खूबसूरत थी, चलो उसको वहाँ ढूंढ करके लाते हैं और बेच लेते, नहीं। इस्तेकामत, हराम काम को आपने छोड़ दिया, शिर्क को आपने छोड़ दिया, बिदात को छोड़ दिया, गुनाह के काम को छोड़ दिया, नबी की मुखालफत को छोड़ दिया, अल्लाह की मासियत को छोड़ दिया, शैतान के रास्ते को छोड़ दिया, बुरे कामों को छोड़ दिया, तो उसी पर आप जम जाएं, ठहर जाएं, ज़िंदगी की परेशानियां आएंगी, आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें हमारे सीधे रास्ते से, सिरात मुस्तकीम से भटका नहीं सकेंगी। ये जज्बा होना चाहिए, इस्तेकामत का जज्बा। एक मिसाल देता हूँ हदीस के ज़रिए से और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बयान फरमाया कि वो मुसलमान जो अच्छी तरह से वज़ू करता है, क्या करता है, वज़ू जानते हैं ना, वज़ू करता है नमाज के लिए, सुन्नत के मुताबिक जो तरीक़ा है उस तरीके से अपने उन आज़ा को जो वज़ू में मखसूस हैं धोता है, इसको कहते हैं वज़ू करना। सुन्नत क्या, आप पूरा पैर धोने लगें, पूरा हाथ धोने लगें, पूरा सर धोने लगें, नहीं, सुन्नत के मुताबिक जो तरीक़ा है, जो आज़ा मखसूस हैं, उस सुन्नत के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक उन मखसूस आज़ा को आप नमाज की नीयत से धो रहे हैं, ये वज़ू का जो वज़ू बनाता है पाकीज़ा अमल। और वज़ू के बाद दो रकात सुन्नत पड़ता है जिसे तहियतुल वज़ू कहा जाता है, फसल्ला रकातें, तो उसके पिछले गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देता है। ये नबी का एक हुक्म हो गया, एक मामूली चीज़, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, एक हदीस है,
हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये सुन्नत मालूम पड़ गई, पता चल गया कि वज़ू बनाना चाहिए और वज़ू बनाने के बाद हमेशा दो रकात सुन्नत पढ़ना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है और उससे गुनाहों की माफ़ी होती है। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, 24 घंटे में जब भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वज़ू टूटता फ़ौरन वज़ू बनाते, और जब भी वज़ू बनाते रात और दिन के किसी हिस्से में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जब भी कभी वज़ू बनाते तो हमेशा हर वज़ू के बाद दो रकात नमाज ज़रूर पढ़ते। यह है इस्तिकामत, वह सुन्नत थी। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, सुन्नत नफिल है, फ़र्ज़ के अलावा अल्लाह के नबी की हदीस थी, आपका प्यारा अमल था, तो कितनी बड़ी बशारत मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए तो आपको जन्नत में आगे आगे एक आदमी के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, कोई चल रहा है आके ज़मीन पे। आपने पूछा वहाँ आसमान में, आपने पूछा जिब्रील अमीन से, कौन है जो आगे आगे ऐसा लग रहा है कोई चले जा रहा है, चले जा रहा है जन्नत में। कहा कि आपके मस्जिद का मुअज्जिन बिलाल हबशी है। तो अल्लाह के नबी ने कहा बिलाल ने कौन सी नेकी की है, कुछ ना कुछ तो नेकी की होगी जिसकी वजह से बिलाल को अभी दुनिया में मौजूद है, मौत नहीं आई है, ये बुलंद मकाम अल्लाह ने जन्नत में अता किया है। तो आके बिलाल से पूछा, कहा बिलाल क्या करते हो, कौन सी नेकी करते हो? तो यही नेकी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताई जिस पर हज़रत बिलाल हबशी कायम थे। अल्लाह के नबी सब तो सारी नेकियां करता हूं लेकिन मुझे समझ में आता है कि एक नेकी ऐसी है वो वज़ू वाली और वज़ू के बाद दो रकात नमाज पढ़ने वाली, उस पर मैं हमेशा मुदावमत करता हूं। हमेशा जब भी मैं वज़ू बनाता हूं, चाहे रात का हिस्सा हो दिन का हिस्सा हो, कभी भी वज़ू बनाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो फ़ौरन हर वज़ू के बाद दो रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी की वजह से तुम्हारे कदमों की आहट को मैंने जन्नत में सुना है। तो मेरे दीनी भाई और दोस्तों, ये दो तरीक़ा है, जज्बे इस्तिजाबत और जज्बे इस्तिकामत। आप मान लें, इताअत कर लें और उस पर ठहर जाएं, जम जाएं। जो आपने सुन लिया, जो जो सुनते हैं, जो जो पढ़ते हैं, जो आपको बताया जाता है, قال الله وقال الرسول, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इससे बेहतर दुनिया में कोई बात नहीं हो सकती है। यही मोमिनों का रास्ता है, قال الله وقال الرسول, यही सहाबा का रास्ता है, यही आइम्मे अरबा का रास्ता है, यही मुहद्दिसीन का रास्ता है, यही उम्मत के अजिल्ला उलमा का रास्ता है, तमाम ऐसे लोगों का रास्ता है जो इनाम याफ्ता हैं इस कायनात में और अल्लाह की मर्जी पर चलने वाले। قال الله وقال الرسول, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस पर ठहर जाओ, जम जाओ। यही हमारी और आपकी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जज्बे इस्तिजाबत, जज्बे इताअत और कबूलियत के साथ साथ इस्तिकामत का जज्बा अता फरमाए। जो कुछ हम और आप सीखें उसे मान लें, अपनी ज़िंदगी में उसे तब्दीली पैदा कर लें और उसी पर कायम और दायम रहें, यही हमारे और आपके ईमान का तकाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस्तेजाबत के साथ इस्तेकामत की सआदत और तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा।